दोस्तों मैं भी टास्क बोली आज आपके लिए लेके आया हूँ यूट्यूब पर सेमीफाइनल रिगार्डिंग वीडियो। दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें, क्योंकि इस बार सारी भी बिल्डिंग मैचेस थे एनालिसिस वीडियो डल गई हैं, जिनको भी कोई एनालिसिस देखना है वो देख सकता है, मेरी बिल्डिंग की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के पोस्ट मैच एनालिसिस पे। पोस्ट मैच एनालिसिस आज था नोवाकोविच वर्सेस डेनिस शापोवालोव का सेमीफाइनल। नोवाक जोकोविच तो खेलते जा रहे हैं सेमीफाइनल, 41 टाइम था और डेनिस शापोवालोव का फर्स्ट ग्रैंड स्लैम का सेमीफाइनल था और ये लग रहा भी था कि उनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम का फाइनल है। शुरुआत दोनों की बहुत अच्छी हुई, 1-1 पे था, सब फर्स्ट गेम भी ले लिया, दूसरा भी फर्स्ट गेम ले लिया, बट डेनिस शापोवालोव ने ब्रेक शुरू में ही कर दी तो लग रहा था कि वो फर्स्ट सेट आराम से जीत जाएंगे, बट इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। विपरीत कैसे हो गया, पहला जैसे उन्होंने गेम ब्रेक की उसके बाद जोकोविच ने लेते रहा और जब उनके पास मौका था 5-3, 5-4 हो गया था और 6-4 करने का मौका था उनके पास डेनिस शापोवालोव के पास, बट वो अपनी सर्विस होल्ड नहीं रख पाए और सर्विस होल्ड नहीं रख पाए जोकोविच ने वो सर्विस को ब्रेक कर दी। 6-6 पे मुकाबला जाके हो गया टाई और विंबल्डन में जब भी टाई ब्रेकर होता तो सबको पता ही है अगर जोकोविच है सामने तो जोकोविच ही जीतेगा और वैसा ही हुआ। जोकोविच ने विंबल्डन में बहुत बढ़िया खेला है टाई ब्रेकर, पिछले साल भी 2019 में रॉजर फेडरर को 2 चैंपियनशिप पॉइंट मोटा था जीतने का बट नहीं जीतने दिए, इस बार भी उन्होंने आराम से कंफर्टेबली जीत लिया। तो विंबल्डन में टाई ब्रेकर का उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा और इस बार भी ऐसा ही रहा, कंफर्टेबली जीत लिया। सेकंड गेम जब शुरू हुई सेकंड गेम भी बराबर बहुत सही जा रहा था, वन गेम ऐसा ही चलते रहा था, 1-1 गेम करके, बट जब 5-5 पर हो गया गेम, अब जो सिर्फ उनको 8 सेट लेना था टाई ब्रेकर जाने के लिए डेनिस शापोवालोव को, बट जोकोविच ने उस समय ब्रेक कर दी और डेनिस शापोवालोव ने एन मौके पर डबल फॉल्ट किया और कोई ब्रेक पॉइंट ले नहीं पाए, वो वाले उन्होंने सर्विस ब्रेक कर दी और जोकोविच ने आराम से 7-5 से सेकंड सेट अपने नाम लिया। थर्ड सेट बिल्कुल सिमिलर रहा, पर थर्ड सेट में क्या रहा, जोकोविच थोड़ा और ज़्यादा अच्छा खेलते रहे। पहले हो रहा था कि जो डेनिस शापोवालोव है वो जो भी जीत रहे थे गेम वो 40 लव से जीत रहे थे या थोड़े पॉइंट 15 होने देते थे, ज़्यादा नहीं हो रहे थे, बट इस बार डेनिस शापोवालोव हर बार एडवांटेज तक पहुँचे, बहुत मुश्किल से अपनी सर्व होल्ड रख रहे थे और जब 5-5 हो जाता है तो लास्ट में उनका जो करना होता है तो वो नहीं कर पाते हैं और वही वाली क्रंची सिचुएशन से वो आउट हो जाते हैं, उसमें वो बाहर आउट हो गए। एक दो बार उनकी बहस भी हो रही है रेफरी के साथ कि ये कैसे हो गया, आपने फॉल लेट बोला, 30 मिनट लग जाते हैं क्या बोलने में, कुछ ऐसे रिगार्डिंग हुई थी बहस भी। तो जोकोविच ने थर्ड सेट भी जीत लिया, लास्ट में उनकी अपनी सर्व थी तो आराम से जीता, 7-5 से थर्ड सेट भी जीत लिया। तो दोस्तों विंबल्डन के वो लगातार तीसरे फाइनल में जा रहे हैं, 2018 का फाइनल नोवाक जोकोविच कैमिल एंडरसन से जीते थे, 2019 का फाइनल नोवाक जोकोविच रॉजर फेडरर से जीते थे, 2020 का फाइनल हुआ ही नहीं था, क्यों, क्योंकि 2020 पैंडेमिक के कारण ही कैंसिल हो गया था। 2021 का फाइनल अब उनका मैट्यू बेरेटिनी के साथ, मैट्यू बेरेटिनी ने भी पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे हैं और जब जोकोविच का इंटरव्यू हुआ तो जोकोविच जब बोल रहा था कि डेनिस शापोवालोव ने खेला भी बहुत अच्छा है और कुछ रिगार्डिंग हो रहा था तो इंटरव्यू को बोलता कि तुम मेरे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, ऐसे स्टैट्स अच्छे अच्छे स्टैट्स देते हैं। अब स्टैट्स उसने बताए थे, 8 स्टैट बताया था उसने कि ये लगातार तुम्हारी तीसरा फाइनल है विंबल्डन का और ये तुम विंबल्डन के 7वें फाइनल में जा रहे हो, 6ठी टाइटल परस्यू करने जा रहा है और 30 ग्रैंड स्लैम का फाइनल है। 30 ग्रैंड स्लैम रखना मायने रहता है, अभी तो सिर्फ 80 प्लेयर ऐसे हैं जो अभी तक 30 ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जा सके हैं, वो है रॉजर फेडरर और ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में सबसे ज़्यादा रॉजर फेडरर हैं। अब दूसरे नंबर पे हैं जोकोविच, जोकोविच अगर 2-3 साल और रहते हैं तो वो आराम से वो रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे और फाइनल का भी तोड़ देंगे। अब और उसके बाद जब वो बोल रहे थे तो एक कमेंट दर्शन ने कुछ बोला तो उसने बोला सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट किया जोकिंग हुई। अब जोकोविच का मैच होगा मैट्यू बेरेटिनी के साथ, एक नया प्लेयर है एक मंझा हुआ प्लेयर है, बहुत मुश्किल है मैट्यू बेरेटिनी के लिए जीतना। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट दे ढेर सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।